दुनिया इस वक्त एक महामारी से जूझ रही है, एक पेंडेमिक सिचुएशन है। कोरोना वायरस या फिर COVID-19 ने पूरी दुनिया में अपना प्रकोप फैलाया है और ये खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। ये वायरस रूप बदल रहा है और लगातार लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। आजकल आप डेल्टा प्लस नाम के एक वेरिएंट का नाम बहुत सुन रहे होंगे। चलिए आपको बताते हैं कि ये डेल्टा या फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है। ये दरअसल कोरोना वायरस के ही अलग अलग रूप हैं। ये साफ हो गया है कि डेल्टा की वजह से ही कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना करना पड़ा था भारत को। एक नई स्टडी से ये भी सामने आया है कि ये डेल्टा वायरस ओरिजिनल कोरोना वायरस से करीब 172% ज्यादा संक्रामक है। ग्लोबल एजेंसी GISAID ने डेल्टा प्लस के 166 जीनोम सीक्वेंसिंग की स्टडी की है। उनका मानना है कि ये ज्यादा संक्रामित नहीं कर सकता और ये भयावह होगा, ऐसे तथ्य कम है। लेकिन वैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि जो नया म्यूटेशन है K417N, इसमें कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो कि ज्यादा संक्रमित कर सकते हैं और एंटीबॉडीज के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा कर सकते हैं। भारत सरकार ने पहले ही डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंताजनक घोषित कर दिया है। तो ये साफ हो गया है कि भारत में दूसरी लहर के रूप में डेल्टा वेरिएंट ने ही तबाही मचाई थी। दिसंबर 2020 से लेकर इस साल के मई तक 10.5% मामले गंभीर माने गए थे। इसे डेल्टा वेरिएंट का पीक माना गया था। आंशिक गिरावट के बाद एक बार फिर ये मामले सीरियस होते जा रहे हैं। जून तक आने वाले सैंपल्स में करीब 51% मामले गंभीर रूप से संक्रमित माने गए हैं। अब लगभग हर दूसरा मामला गंभीर रूप से संक्रमित देखा जा रहा है। जब डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप कम हुआ है तो अब नया वेरिएंट डेल्टा प्लस वेरिएंट म्यूटेशन सामने आने लगा है। GISAID के 78 देशों में किए गए विश्लेषण से पता चला है कि भारत, UK, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसे तमाम देशों में डेल्टा वेरिएंट अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। पिछले 4 हफ्तों की बात करें, जो डेटा हमें मिला है 29 जून तक का, उसमें पता चला है कि यूके और सिंगापुर में जितने भी मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है, जितने सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है, उसमें से 90% मामलों में डेल्टा वेरिएंट ही पाया गया है। डेल्टा वेरिएंट में K417N का पाया जाना बेहद खतरनाक है। इससे दुनिया भर की चिंता बढ़ गई है। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो यही K417N साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस के बीटा वर्जन और साथ ही ब्राजील के गामा वेरिएंट में भी पाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। इसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, पंजाब तमाम राज्य शामिल हैं और 51 मामले इस वक्त सामने आए हैं। हालांकि जीनोम सीक्वेंसिंग के सूत्रों की माने तो 68 मामले अब तक देश में सामने आ चुके हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के। तो ये तमाम नाम जो नए नए आप सुन रहे हैं, ये सब कोरोना वायरस के ही वेरिएंट हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। अल्फा वेरिएंट, अभी तक जिन 9 वेरिएंट्स ने दुनिया भर में तबाही मचाई है, उनमें सबसे ज्यादा अल्फा वेरिएंट फैला है। ये सबसे पहले ब्रिटेन में फैला था और अब तक 885,722 सैंपल की सीक्वेंसिंग में इसकी पुष्टि हो चुकी है। गामा वेरिएंट, सबसे पहले ये ब्राजील में मिला था। ये वेरिएंट अब तक दुनिया भर के 37,416 सीक्वेंसिंग में मिल चुका है। ये अब तक 65 से अधिक देशों में है। इस वेरिएंट में भी अब तक 2 और म्यूटेशन हो चुके हैं, लेकिन उनके बहुत अधिक मामले अब तक सामने नहीं आए हैं। हालांकि WHO और CDC ने इन तीनों ही वेरिएंट्स को गंभीरता की श्रेणी में ऊपर रखा है। बीटा वर्जन, दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले मिला ये वेरिएंट अब तक दुनिया के 80 से अधिक देशों में है। दुनिया भर में 24,523 सैंपल की सीक्वेंसिंग में ये मिल चुका है। इसमें एक म्यूटेशन हुआ था, लेकिन उसके बहुत ज्यादा मामले सामने नहीं आए। यही म्यूटेशन अब डेल्टा में भी है, जिसके मामले अब सामने आ रहे हैं। बीटा भी गंभीर श्रेणी में रखा गया है। डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में मिला था ये डेल्टा वेरिएंट, और इसमें 2 म्यूटेशन होने के बाद ये तीनों ही गंभीर श्रेणी में रखे गए हैं।